हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही खास वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में 8 क्लॉक कैसे सेट करेंगी। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे इजी स्टेप बताऊँगी। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। हाय फ्रेंड, हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में 8 क्लॉक कैसे सेट करेंगी। तो फ्रेंड, उससे पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई फ्रेंड, उसके लिए आप अपने फ़ोन की इस तरीके से फ़ोन की स्क्रीन पर इस तरीके से वन फिंगर से हमें क्लिक करना है। जब वन फिंगर से इस तरीके से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, तो यहाँ पर सेटिंग विजेट स्टेम, तो यहाँ पर हम विजेट पे क्लिक कर देते हैं। विजेट पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन देखने को आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लॉक पे क्लिक कर देना है। क्लॉक पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से हमारे सामने क्लॉक आ जाते हैं। फ्रेंड, तो यहाँ से हम जो भी क्लॉक अपने स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने स्क्रीन पर क्लॉक लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरीके से इसको ले चलती हूँ और अपनी स्क्रीन पर लगा देती हूँ। इस तरीके से फ्रेंड, आप अपनी स्क्रीन पर कोई भी क्लॉक सेट कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड, मेरी स्क्रीन पे क्लॉक सेट हो चुका है। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो भी क्लॉक सेट करना चाहें सिलेक्ट कर सकती हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहती हैं तो इस तरीके से आप इस पर जब क्लिक करेंगी तो आपको यहाँ से इसका रिमूव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप अपने फ़ोन में 8 क्लॉक सेट कर सकती हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।